शिवरासन एक अच्छा बम एक्सपर्ट था। सारी तैयारियां मुकम्मल देख वो मानव बम के इंतजाम के लिए वापस श्रीलंका के जाफना गया। वो प्रभाकरण से मिला। इसके बाद प्रभाकरण ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और सुधा को उसके साथ भारत भेज दिया। मई 1991 चेन्नई। शिवरासन धनु और सुधा को लेकर भारत आ गया। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। सफेद कपड़ों में खड़ा यह शख्स शिवरासन है और हरे रंग का दुपट्टा और नारंगी रंग का सूट पहने लड़की धनु है। यही मानव बम बनी और इसके पास में खड़ी लड़की नलिनी है। सुधा और धनु LTTE की कट्टर समर्थक थी। लोकसभा चुनाव का दौर था। राजीव गांधी की रैली 21 मई को श्री पेरम्बदूर में तय की गई। शिवरासन को जैसे ही पता चला राजीव गांधी 21 मई को श्री पेरम्बदूर आ रहे हैं, 20 की रात वो विज्ञापन वाला अखबार ले नलिनी के घर पहुंचा और तय हो गया कि वारदात को 21 मई को ही अंजाम दिया जाएगा। इससे पहले शिवरासन सुधा और धनु को साथ लेकर राजीव गांधी की कई रैलियों में रैकी करने के लिए पहुंच चुका था और फिर शुरू हुआ बम बनाने का काम। शिवरासन ने प्लान बनाया कि धनु बॉम्ब से लैस एक बेल्ट पहनेगी और राजीव के पास पहुंचकर धमाके के साथ खुद को उड़ा लेगी। 20 मई की रात सुधा ने धनु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई। रात में सभी ने खाना खाया और एक फिल्म भी देखी। वहीं दूसरी तरफ दिन में राजीव गांधी दक्षिण भारत के लिए दिल्ली से रवाना हुए। 21 मई 1991 विशाखापट्टनम। दोपहर 3:30 बजे राजीव गांधी एक एयरक्राफ्ट में बैठकर चेन्नई के लिए रवाना हुए। 21 मई 1991 श्री पेरम्बदूर। रात 8:30 बजे शिवरासन सुधा और धनु के साथ रैली की जगह पर पहुंच गया। शिवरासन ने एक डायरी पकड़ रखी थी जिससे कि वो एक पत्रकार लगे। रात 10:10 राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर की रैली में पहुंचे। यहां राजीव गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। श्री पेरम्बदूर में रैली गहमा गहमी थी। राजीव गांधी को आने में देर हो रही थी। बार बार ऐलान किया जा रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अब अंजाम के बेहद करीब थी। नलिनी ने राजीव गांधी को माला पहनाई, उनके पैर छूने के लिए झुकी और बस साजिश पूरी हो गई। राजीव गांधी के बिल्कुल पास खड़ी धनु ने अपने आप को बम से उड़ा लिया। इस धमाके में राजीव गांधी के साथ 14 और लोगों की मौत हो गई। शिवरासन यहां से चेन्नई भाग गया। नलिनी और सुधा उसे चेन्नई में आकर मिले, लेकिन कैमरा वहीं छूट गया था। कैमरे से मिले सुराग के बाद शिवरासन के ठिकाने का पता चला और एक एनकाउंटर के दौरान उसने खुद को गोली से उड़ा लिया। इस तरह भारत को बदलने के सपने के साथ ही राजीव गांधी का भी अंत हो गया।